दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी योजना के बारे में जिसको जानकर आप बहुत खुश होंगे। दोस्तों स्वयं सहायता समूह की 9 करोड़ महिलाओं को सीधे तौर पर इस योजना से लाभ मिलेगा। दोस्तों स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब घर बैठे लाखों रुपए बड़े आसानी से कमा सकती हैं। किस तरीके से आप इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं? दोस्तों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का सुझाव दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना का शुरुआत जल्द ही आपको राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा। दोस्तों इसके नतीजे क्या हैं, किस तरीके से नतीजे आपको चौंका देंगे, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि इस योजना के बारे में आपको बेहद इंटरेस्टिंग जानकारी मिल सके। लखपति दीदी योजना से महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी। स्वयं सहायता समूह की लगभग 9 करोड़ महिलाओं को मिलने वाला है खास लाभ। महिला सशक्तिकरण के तहत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की आमदनी बढ़ाने वाली राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना से देश की कुल 9 करोड़ महिला सदस्यों को आर्थिक स्थितियों में सुधार करने का मौका मिलेगा। स्वयं सहायता समूह में शामिल होने वाली सदस्य महिलाओं को रोजगार के साथ साथ एक बिजनेसमैन बनने की इस योजना को हर तरह से वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। लखपति दीदी योजना में प्रत्येक महिला सदस्य की न्यूनतम वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जल्द ही इस बड़ी योजना से जुड़ेंगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का सुझाव दे दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की लखपति दीदी योजना शुरू करने से पहले स्वयं सहायता समूह का राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। जिसके सक्रिय सदस्यों की संख्या 9 करोड़ है, इसमें से कुल 14% यानी कि लगभग 2 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है। इसमें महिला सदस्यों की आर्थिक हालत काफी खराब पाई गई है। दोस्तों आपको बताऊं तो 5% परिवारों की वार्षिक आमदनी 25,000 रुपए से भी कम है। इसी सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 50% स्वयं सहायता समूह के परिवारों की वार्षिक आमदनी 25,000 से 60,000 रुपए है। 25% परिवारों की आमदनी 1 लाख अथवा इससे अधिक भी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह ने कहा कि महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के साथ उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन बनाकर उनकी वित्तीय स्थितियों में सुधार के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों आपको बताऊं तो स्वयं सहायता समूहों यानी कि केंद्रीय और राज्यों की योजनाओं के अमल में उनका सहयोग भी लिया जाता है ताकि समूह के सदस्यों को रोजगार मिल सके। घरेलू उद्यम शुरू करने के लिए ऐसे समूहों को बैंक से अति रियायती दरों पर बिना किसी गारंटी के ऋण दिया जाता है। वहीं उनके तैयार किए गए उत्पादों को यानी जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा सामान बनाए जाते हैं, चाहे वो अचार हो, मुरब्बा हो, अगरबत्ती हो, मोमबत्ती या सिलाई का कुछ सामान हो, कि बिक्री के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म की सुविधा भी दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक महिला समूहों के सदस्यों को बैंक ग्राहकों को सुविधा व सलाह देने के लिए मासिक मानदेय पर बैंक सखी भी नियुक्त की जाती है। दोस्तों आपको बताऊं तो सरकारी अस्पतालों के साथ उन्हें संबंध कर स्वास्थ्य सखी के रूप में भी तैनाती का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा मित्र का भी दायित्व दिया जाएगा। वह मनरेगा के कार्यस्थल पर श्रमिकों के कामकाज का हिसाब किताब और काम का लेखा जोखा तैयार कर सकती है। लेकिन दोस्तों जो भी इस तरीके के काम दिए जाते हैं या दिए गए हैं, उन सभी कामों को सरकार बड़ी अच्छी तरीके से नहीं करवा पा रही है। कहीं न कहीं ग्राम प्रधान इस काम में अड़ंगा डालते हैं या कहीं न कहीं किसी प्रशासनिक स्तर पर इसमें कमियां रह जाती हैं। सामुदायिक शौचालयों, पंचायत भवनों, स्कूल और अन्य कार्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इन स्वयं सहायता समूहों को कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के साथ राज्यों की विभिन्न योजनाओं में ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिनका निष्पादन इन स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को सौंपा जाता है। परिवहन विभाग में स्थानीय स्तर पर लाइसेंस जारी कर वाहन संचालन के लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति, पानी पीने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जहां पे आपको राशन मिलता है, ऑर्गेनिक उपज की मार्केटिंग और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम में इस तरीके के काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपे जाते हैं। इतना ही, स्वयं सहायता समूह की आमदनी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर महिलाओं के प्रयास से चलाए जाने वाले बिजनेस उद्यमों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसके लिए उन्हें शुरुआत में बैंकों से जहां कम ऋण मिलता है, वहीं बाद में उनकी साख के हिसाब से ऋण भी दिया जाता है ताकि लगातार उनके बिजनेस में उद्यम में बढ़ोतरी हो सके।
केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों को आगे आने और इन महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद करने का आग्रह किया है। इसी तरीके से लखपति दीदी जो योजना है वो उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में भी इस योजना के खास फायदे और खास लाभ मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो अपने समूह सखी के माध्यम से बैंक से या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय से इसके बाबत जानकारी जरूर लें। अगर आप नहीं जा सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उस तरीके की बहुत ही अच्छी लाभदायक वीडियो होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।